क्या हुआ, कोई चीखा क्या यहाँ पर? हाँ, वो कुशल्या जी की बहू है ना, शायद उसकी आवाज है ये। मत मारिए मुझे, मत मारिए, मत मारिए मुझे, मनु नहीं। हेलो पुलिस स्टेशन, मेरी घर वाली मुझे मार देगी, ये लोग मुझे मार देंगे, मार देंगे मुझे, जल्दी से आ जाए। एक तरफ हम नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं और दूसरी तरफ हमारे देश में घरेलू हिंसा के मामले लगातार सामने आते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के मुताबिक करीब हर 4 मिनट में एक घरेलू हिंसा का केस दर्ज किया जाता है। यहाँ भी एक लड़की के साथ कुछ ऐसा ही होता नजर आ रहा था। बुरी तरह से घायल वो लड़की लगातार मदद के लिए गुहार लगा रही थी। आखिर क्यों उसके साथ ऐसा सलूक किया जा रहा था? क्या ये महज एक घरेलू हिंसा की वारदात थी या इस घटना के पीछे कोई और बात थी? जानने के लिए आइए देखते हैं ये चौंका देने वाली वारदात। चांदनी, अरे कहाँ रह गई, आ जाओ। माँ, भाभी आपका बैग। चले चलो। अबे यार मारना यार। हाँ चल। आप लोग खेलो माते। मन्नू। जी बाबूजी। कहाँ जा रहा है इतनी रात को? मार्केट जा रहे थे बाबूजी। कुछ काम तो तेरे पास है नहीं? दुकान पर बैठने के लिए बोलता हूँ तो तेरे पास टाइम नहीं है, मगर इन लोगों के पीछे चक्कर लगाने का पूरा टाइम है तेरे पास में। मैं कह रहा हूँ सुधर जा, इन लोगों के पीछे चक्कर लगाएगा ना तो बर्बाद हो जाएगा तू, नालायक कहीं का। चल चल चल, जल्दी चला, निकल जाएंगे यार वो। हाँ अच्छा जान, अब मैं चलती हूँ, सुबह मिलती हूँ आपसे। अभी तक आप पूजा ही कर रहे हो, जल्दी करो ना, भाभी के उठने का टाइम हो गया और 12 बजे से पहले हमें सारा काम खत्म करना है। भैया भी आते होंगे, नाइट शिफ्ट के बाद उनका सोना भी जरूरी है, मैंने अब तक नाश्ता भी नहीं बनाया उनके लिए। एक काम करो, आप ही फ्रूट्स काटो, बाकी के सारे काम मैं खुद कर लूंगी। ओके दे, मैं काट देती। मेरी भाभी को फ्रूट्स खाना भी तो बहुत जरूरी है ना, उन्हें अपनी सूरत से बिखारनी है। सुबह से भाभी ने दर्शन भी नहीं दिए। फिकर मत कर बेटा, भाभी दर्शन भी देंगी और दर्शन के बाद फल भी मिलेगा, तपस्या करता रहे। इस घर का ना कुछ नहीं हो सकता, अजीब लोग हैं, पूरे मोहल्ले को बदनाम कर रखा है। लो आ गया लंगूर, जिसके हाथ लगा अंगूर। अबे कहां ये लंगूर और कहां वो हूर। काम रख, नहीं तो है सुमित।
खबरदार जो मेरे बेटे को आंख दिखाया तो समझ गए तुम? जाके पहले अपने घर को संभाल, फिर किसी और के बारे में सोचना। कितने बेशरम लोग हो तुम। हाँ क्या नहीं, नहीं दिया मैंने, क्या बोला तुम्हें? अरे ये शरीफों का मोहल्ला है, शरीफों का, जाके ना बाहर रहो और हमें भी चैन से रहने दो यहाँ पे। बहुत ज्यादा बोल रहे हैं आप चाचा जी। शांत हो जाइए, एक मिनट, मैं समझा। चाचा जी छोड़िए इन लफड़ों को, पूरे मोहल्ले में कोई कुछ नहीं बोलता है, तो आपको क्या जरूरत है बोलने की, जाने दीजिए। सुमित शांत हो जाओ। बेटा देखो तुम्हारे पिताजी की उम्र के हैं, बुजुर्ग हैं। आगे से अपने काम से काम रखना, दूसरे के घरों में दखल अंदाजी करने की जरूरत नहीं है। अब समझे कि नहीं? सुमित इतनी देर कहाँ लगा दी बेटा, तुम्हारा नाइट शिफ्ट तो सुबह ही खत्म हो जाता है। माँ गाड़ी खराब हो गई थी, थोड़ा उसमें टाइम लग गया। अरे भैया टिफिन तो देते जाओ। अरे कुछ खा तो लो। खा लूंगा बाद में। इतना सन्नाटा क्यों है आज? सही बोल रहा है यार। अबे कुशल, अबे देख देख देख, आ गई आ गई आ गई। कुशल अबे ये कन्या भी इसी घर में रहती है ना? हाँ। अबे बहुत चर्चा है इस घर का भाई, लेकिन ये लड़की कुछ अलग दिखती है भाई। नहीं यार सब एक ही जैसी हैं यार, कोई अलग नहीं है, बल्कि एक से बढ़कर एक है सब। क्या बात कर रहा है यार। देख, 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 देख। रितु कौन आया? अरे आंटी जी कैसी हैं? चांदनी जी के लिए एक छोटा सा गिफ्ट लेकर आया था, वो बोल रही थी कि घर में कोई म्यूजिक सिस्टम नहीं है, बस ले आया। ए, अरे आओ अंदर आओ। वैसे चांदनी जी कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही, हेलो बोलना। भाभी सो रही है और भैया भी घर पर है। अरे तो हम कौन सा गैर हैं? वैसे भी चांदनी जी से कम नहीं है, जो भी चाहिए बोल देना मिल जाए। ए सामान निकालो। रविश जी आप? गुड मॉर्निंग चांदनी जी। अरे आप अभी तक यहीं पे हैं और मैं देखो वहां से भी आ गया, आपने जो भी कहा था ना सब कर दिया, और ये आपके लिए छोटा सा गिफ्ट। मेरे लिए डायमंड का रिंग? अरे ये तो कुछ भी नहीं है, आपके लिए तो जान भी हाजिर है। थैंक यू। बस जब भी जो चाहिए बता देना, सब मिल जाएगा। और बताइए कैसे हैं आप? बस आपकी यही स्माइल देखने के लिए तो तरस जाते हैं हम। अब आप अगली बार आइएगा तो मेरे लिए एक प्यारा सा हार लिख देगा। हे बंद करो ये सब। कैसे हैं आप लोग? चांदनी जी की इतनी तबीयत खराब है, आप लोगों को परवाह है कि नहीं है? जाके कहीं अच्छी जगह इलाज कराइए, जितना पैसा चाहिए ना मैं दूंगा। लगता है तुझे इलाज की जरूरत है। रुक मैं करता हूँ तेरा इलाज। जाने दे, शांत हो जा। आंटी जी सही कह रही हैं सुमित बाबू, गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, तकलीफ बढ़ा सकता है। और ये पकड़ो पैसा, ना चाहिए और मिलेगा। और आप
आप तो जो भी मांगेंगी ना सब मिलेगा, पर ऐसे नहीं। माँ आप आ गए? चांदनी को कोई शक तो नहीं हुआ ना? नहीं भैया, हम मंदिर जाने का बहाना बनाकर आए हैं। बेटा, हम इस बहू का करें क्या? इसकी तबीयत भी खराब है और हमारी बातों का कोई असर नहीं है इस पर। बहुत हो गया माँ, अब कोई ना कोई फैसला लेना होगा। मैं कल ही अपने वकील से मिलता हूँ और चांदनी से तलाक लेने की बात करता हूँ। कैसा परिवार था ये, और आखिर इस घर में चल क्या रहा था? यहाँ तक कि मोहल्ले वालों को भी इनकी करतूतों की भनक थी, लेकिन ये सब क्यों किया जा रहा था? क्या लालच इन लोगों पर इस कदर हावी हो गया था कि ये लोग भूल गए थे कि चांदनी उनके घर की ही बहू है? क्या वो उसे इस तरह के गलत काम के लिए मजबूर कर रहे थे? लेकिन अगर ऐसा था तो सुमित तलाक के बारे में क्यों सोच रहा था? क्या कारण था कि वो लोग घर के बजाय बाहर आकर बात कर रहे थे? क्या ये परिवार कोई खतरनाक चाल चलने वाला था? क्या चांदनी के साथ कुछ बुरा होने वाला था? आखिर पूरा माजरा था क्या? आइए देखते हैं। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। सुमित, मुझसे तलाक मत लो, कहाँ जाऊंगी मैं? कहाँ जाऊंगी? अरे तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो ना, समझाओ अपने भैया को, समझाओ कि मुझे तलाक ना दे। माँ जी समझाएंगे अपने बेटे। चांदनी, पागल हो गई है क्या? हाँ पागल हो गई मैं। हम बताते हैं तुम लोगों को, एक मिनट। क्या कर रही है सब? चांदनी दरवाजा क्यों बंद कर रही हो? तुम लोगों ने अभी मेरा पागलपन देखा कहाँ है? अब दिखाते हैं तुम। मेरी सासू माँ, मेरी प्यारी सी ननद, साइड हटो। तो क्या लगा था तुम्हें इतनी जल्दी तुम मुझसे छुटकारा पालोगे? आप दिलाती हूँ तुम्हें छुटकारा, तलाक चाहिए तुम्हें? अब दिलाती हूँ अपनी बहन। अरे मत मारो, मत मारो, मत मारो, पागल हो रही है? तुम्हारे हाथ जोड़ते सुमित, मुझे मत मारो, मत मारो, मुझे मत मारो, मत मारो। क्या कर रही हो तुम? मुझे मत मारो, मत मारो। सर क्या कर रहे हो? क्यों? अरे मेरी सासू माँ डर गई, उससे डर गई? मैं तो आपकी प्यारी सी लाडली बहू हूँ ना। माँ जी मैं आपसे माफी मांग तो रही हूँ, माफ कर दीजिए ना मुझे। पैर पड़ जाओ, पैर पड़ती हूँ माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। चिल्लाओ मत चांदनी, बस करो ये राजा। क्या हुआ, कोई चीखा क्या यहाँ पर? हाँ वो कौशल्या जी की बहू है ना, हाँ। शायद उसकी आवाज यही है। लगता है कि कुछ हंगामा हुआ है। हे भगवान, इनके घर में ना जब देखो तब कोई ना कोई हंगामा होते ही रहता है। मत मारे मुझे, मत मारे, मत मारे मुझे, मत मारे। ये पागल हो गई है, क्या करना चाहती हो जानी? भाभी बस कीजिए, मत मत मारो मुझे, मत। भाभी आप ये क्या कर रही है? अरे रितु, रितु भाभी, मेरी प्यारी सी ननद, पूजा करके आई है, और तुम इसे चुप चुप क्यों कर रही है? और तू भी अपनी कसर पूरी कर ले। अरे अरे रितु, तुम तो मत मारो। क्या कर रही है सब? मत मारे आप लोग, मुझे मत मारे। खड़े हो चांदनी? चाची चाची चलो चल के देखते हैं, चलो। नहीं बहन जी नहीं, ये क्या है, इनके घर का मामला है, समझ में आया? और पता है ना कैसे लोग हैं ये लोग? तलाक लेने चले थे ना, ऐसा केस बनाऊंगी, याद रखोगे। अब बताती हूँ। भाभी क्या कर रही है, किसे फोन कर रही हो आप? हेलो हेलो पुलिस स्टेशन,
मेरी घर वाली मुझे मार देगी। मुझे मार देगी, मार देगी मुझे। क्या कर रही हो? छोड़ दो ये सब। कुछ नहीं किया। हालत देख उसकी, क्या हालत बना दिया तूने उसकी। कुछ नहीं किया। अपनी बहू पर ऐसा जुल्म ढाएगी तू? तू उठ साले, उठ। क्या रे, औरत पर हाथ उठाकर अपनी मर्दानगी दिखाना चाहता है? बड़ा मर्द बन रहा है ना तू। मार इसको, निकाल इसकी मर्दानगी। कुछ नहीं किया तूने, तूने कुछ नहीं किया। मैं चाहिए थे वो तुझे। अगर ना भी प्लीज मेरे को पढ़ना। मैम, इन्हें माफ कर दीजिए। और ये सब लोग कह रहे हैं ना कि आगे से ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अब मैं इन्हें और पिटते हुए नहीं देख सकती। बोलिए ना आप लोग, आइंदा ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हमें माफ कर दो। हम सब वादा करते हैं कि अब हम तुम्हें कभी कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे। देखो, देखा कितनी मासूम है तुम्हारी बीवी। इतना सब कुछ होने के बावजूद तुम लोगों को बचाना चाहती है। और एक तुम लोग, अगली बार से अगर शिकायत का कोई भी मौका मिला ना, तो डोमेस्टिक वायलेंस के साथ साथ इतने चार्ज लगाऊंगी कि सारी जिंदगी तुम सबको जेल में सड़ना पड़ेगा। और अम्मा जी, एक ही बेटा है ना आपका, समझा लीजिए इसे, वरना कहीं ऐसा ना हो कि इसकी वजह से सारी जिंदगी आपको जेल में चक्की पीसनी पड़े। बंद करो ये सब। अरे मेरी जान, बंद तो करवाया था, मन नहीं भरा क्या? फिर से बंद होने का इरादा है? देखो ना कितना प्यारा म्यूजिक है। आओ ना। आहा, इतना गुस्सा, बाप रे बाप। क्यों, चाल उल्टी पड़ गई? इसलिए पुलिस से तो बचा लिया ना मैंने तुम्हें। चलो चलो अब डांस करो। अरे अरे सासू माँ, आप क्यों बैठी हैं? आइए ना डांस करते हैं। कौशल्या, तुम इतनी बुढ़ी भी नहीं हुई हो कि नाच ना सको। आओ ना, आओ, आइए, देखिए। अरे रितु रानी, तुम क्यों चुपचाप खड़ी? क्या जान, तुम अभी तक वहीं खड़े हो? आओ ना, आओ, आओ। देखो, अरे मेरी जान, अपनी बीवी के साथ नहीं नाचोगे तो किसके साथ नाचोगे? मैं तो भूल ही गई। माफ करना मुझे, पुलिस ने बहुत मारा है ना तुम्हें, बहुत दर्द भी हो रहा होगा। ऐसा करो, तुम रहने दो, तुम आराम करो। ए बुढ़िया, कम से कम नाच नहीं सकती तो आके मेरे पैर दबा। और हाँ, तू भी चल, शुरू हो जाओ दोनों। चांदनी, दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? बंद करो ये सब, नहीं तो। नहीं तो, नहीं तो क्या? हाँ, पता है ना मैं क्या करूंगी? तुम्हें पता नहीं है कि मैं क्या कर सकती हूँ। कुछ भी कर सकती हूँ। तुम लोगों को पता नहीं है कि मैं क्या चीज हूँ, समझे? तुम लोग अभी मुझे जानते नहीं। अभी अपने हाथ की नस काट लो और तुम सबको मुझे जान से मारने के इल्जाम में अंदर करवा दूंगी। चांदनी, जान दो बेटा। हाँ भैया, जाने दो, पता नहीं किस चक्कर में फंसा देगी फिर से ये। तुम्हें याद है ना वो इंस्पेक्टर ने क्या कहा था? तुम ही हमारे जीने के सहारा हो बेटा, अगर तुम्हें जेल हो गई
तुम जाओ, इसे जो करना है करने दे, इसी में हम सबकी भलाई है बेटा। हाँ हाँ जाओ जाओ जान। सासू माँ, ये भगवान की माला जपने से कुछ नहीं होने वाला। अगर पूजा ही करनी है तो अपने बहू की पूजा कीजिए। अगर मैं खुश रहूंगी तो तू भी खुश रहेगी, समझी कौशल्या? अच्छा माँ, मैं चलती हूँ। अरे अरे अरे, रितु रानी बड़ी सुंदर लग रही हो, किससे मिलने जा रही हो? भाभी किसी से मिलने नहीं जा रही, बस कॉलेज जा रही हूँ। मुझे तो लगा किसी से मिलने जा रही हो। बेकार है तुम्हारा इतना सुंदर होना, अब कोई जरूरत नहीं है तुम्हें कॉलेज जाने की। बहू, इसे जाने दो ना। अरे माँ जी, ये लीजिए। और वैसे भी मैं सिर्फ कॉलेज जाने से ही तो रोक रही हूँ आपकी बेटी को, कुछ गलत काम करने के लिए थोड़ी कह रही हूँ। वो क्या है ना माँ जी, आज मेरा बदन बहुत दुख रहा है, तो मैं सोच रही हूँ कि आज तुम दोनों मेरी सेवा कर दो थोड़ी। कॉलेज तो तुम रोज ही जाती हो ना। लेकिन बहू, उसका इम्तिहान सर पे है। अरे माँ जी, इम्तिहान तो रोज ही होते रहते, जाने दीजिए ना। मेरी सेवा करने से जो फायदा मिलेगा वो इम्तिहान से नहीं। अब तुम दोनों फटाफट ऊपर आ जाओ। बहू, चाची यहाँ आओ, देखो ना ये कौशल्या कैसे औरत है, अपनी बहू के पैर दबा रही है वो। भगवान बचाए ऐसे लोगों से, तो हमारी बहू की तो हिम्मत नहीं कि हमारे सामने एक शब्द भी बोल पाए। और ये लोग कितने बेशरम लोग हैं, खुलेआम दावत दे रहे हैं, शर्म बेच के खा गए हैं ये लोग। और आप लोग खड़े खड़े क्या कर रहे हो, जा अपना काम करो। कौशल देख, देख चांदनी जी को देख, कितनी सुंदर लग रही है ना। हाँ यार, कैसी लग रही हूँ रितु मैं? माँ जी देखो। अरे अरे अरे, तुम कहाँ जा रही हो? मैंने तुम्हें बोला क्या दरवाजा खोलने के लिए? तुम यहाँ सिर्फ मेरे लिए हो, मेरी सेवा करोगी, समझी? ओ बुढ़िया, जाके दरवाजा खोल। माफ कीजिएगा लेकिन। अरे कुमार साहब, आप माफी क्यों मांग रहे हैं? अंदर आइए ना, दरवाजे पर क्यों खड़े हैं? घर पर, होटल में चलते ना। क्यों, आपको घर पे कोई परेशानी है क्या? आप इसे होटल ही समझिए। और ये सब हमारे नौकर, आप जो सर्विस बोलेंगे ये लोग आपको देंगे। वो क्या है ना कि आजकल होटल में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है, तो मैंने सोचा क्यों ना घर पे ही सब कुछ हो जाए। और रही बात होटल की, तो होटल के पैसे आप मुझे दे दीजिएगा। और ये कौन है? बहुत सुंदर है तो, इसके लिए तो मैं कुछ भी दे सकता हूँ। हे, रहने दीजिए ना कुमार साहब। हाँ पाइए, मैं हूं ना आपके लिए। आप ऊपर जाइए, मेरा कमरा है, मैं बस थोड़ी देर में आई। चांदनी बेटा, हमारे घर का थोड़ा भी तो इज्जत का ख्याल रखी होती। इज्जत? कौन सी इज्जत की बात कर रही हैं आप? अगर इतना ही इज्जत का ख्याल था तो अपने बेटे को कोई बड़ा ऑफिसर बना देती, क्लर्क क्यों बनाया? जो चार कौड़ियां ये कमा के लाता है ना,
उसमें किसी तरह तो मैंने एक साल गुजार लिया, लेकिन क्या बाकी की जिंदगी भी मैं हाय हाय करके बिताऊं? मैं ऐश करना चाहती हूँ और उसके लिए पैसा चाहिए, पैसा। और पैसे के लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी, समझी? मुझे माफ कर दे बेटा, सब मेरी गलती थी, मैंने ही वो रिश्ता तय किया था, मुझे नहीं मालूम था कि वो ऐसी निकलेगी। आप अपने आप को दोष मत दो माँ, मैं भी कोई कम जिम्मेदार नहीं हूँ। शादी से पहले मैं उससे मिला तो था, मुझे बहुत मासूम लगी थी, नागिन का असली रूप मैं नहीं पहचान पाया। बेटा मुझे तो रितु को लेकर डर हो गया है, देखा वो आदमी कैसे देख रहा था रितु को और कितनी गंदी बात बोल रहा था रितु के बारे में। सही कह रही हूँ माँ, मुझे भी इसकी चिंता लगी रहती है। आप मौसी के पास बनारस क्यों नहीं चली जाती? वहीं पे रितु के लिए एक अच्छा सा रिश्ता देखकर कुछ बात बात कर लो। बनारस यहाँ से दूर भी है, लोगों को हमारे बारे में पता भी नहीं चलेगा। लेकिन बेटा रितु को अकेले छोड़ के कैसे जाऊं? बस कुछ ही दिनों की बात है माँ, एग्जाम्स खत्म होने के बाद मैं भी बनारस आ जाऊंगी। हाँ मैं उसकी देखभाल के लिए यहाँ पे हूँ ना, आप उसकी चिंता मत कीजिए। मैं आपको जिस दिन बनारस छोड़ दूंगा उसी दिन वापस शाम को घर आ जाऊंगा, ठीक है? ठीक है। अच्छा अरे माँ जी आप जा रही हैं? आप वापस आएंगी या हमेशा के लिए जा रही हैं इस दुनिया से? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम चांदनी? अरे वाह, बकवास मैं कर रही हूँ या तुम कर रहे हो? अपनी माँ की जरा भी परवाह है तुम्हें कि नहीं? अरे माँ जी आप अपनी दवाइयाँ तो यही भूल कर जा रही थी, अब बिना दवाइयों के भला कब तक जिंदा रहेंगी आप? ये लीजिए माँ जी अपनी दवाइयाँ। ये सब करने की जरूरत नहीं है, दवाइयाँ बाजार में मिलती हैं और मैं खरीद लूंगा अपनी माँ के लिए, चलिए माँ। अरे माँ जी अपनी बहू को आशीर्वाद तो देते जाइए। ये सब ड्रामा करने की जरूरत नहीं है चांदनी, चलिए देर हो रही है माँ। जाइए जाइए माँ जी, हो सके तो जल्दी मत आइएगा। और वैसे नहीं आएंगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बाय माँ जी। चलना यार। नहीं यार मुझे डर लग रहा है यार। अबे पागल है क्या, किस पास से डर रहा है? कोई नहीं है घर में। अरे इस टाइम में माँ और बेटी ना मंदिर गई है, देखा है मैंने, तभी तो तुझे लेके आया हूँ। इस टाइम में चांदनी जी ना बिल्कुल अकेली होती है घर पे। बजा बे। पक्का? अरे बजाना मैं कह रहा हूँ ना। क्या चाहिए आप? क्या बोल रहे हैं यार, देखिए इसका मतलब है कि हम लोग आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट लेकर के आए हैं। हम अंदर आ सकते हैं? आ जाइए। तुम लोग वहां क्यों खड़े हो? आओ बैठो। कल छत पर सीटी तुम बजा रहे थे ना? जी आप हमें बहुत अच्छी लगती हैं, इसलिए एक छोटा सा गिफ्ट लाए थे आपके लिए। बस 5,000? चांदनी इतनी भी सस्ती नहीं है,
इतने पैसे तो सिर्फ बात करने के लगते हैं, समझे? और अगर अच्छी लगती हूं तो कुछ ऐसा करो कि मुझे भी तो अच्छा लगी, और अगली बार ये चिल्लर लेकर मत आना, समझे? जी, गलती हो गई हमसे, आगे से ध्यान रखेंगे। अच्छा, आपके घर में एक और लड़की भी है ना? वो भी बहुत खूबसूरत है ना? ओह, तो तुम दोनों की नजर उस पर भी है? खबरदार जो उसके बारे में सोचा, वो तुम दोनों के औकात से बाहर है, समझे? चलो निकलो यहां से। अब वहां खड़े होके मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? दरवाजा उधर है, निकलो। और सुनो, अगली बार जब भी सीटी बजाना तो जरा ढंग से बजाना, ऐसे, समझे? चलो जाओ अब। कभी कभी जो दिखता है वो सच नहीं होता, बल्कि सच कई परतों के पीछे छिपा होता है, और जब वो परतें खुलती हैं तो एक दूसरी ही तस्वीर सामने आती है। चांदनी का वो घिनौना रूप उजागर हो चुका था। अब उसे किसी बात का डर नहीं रह गया था। वो खुलेआम अपनी हरकतों को अंजाम दे रही थी, लेकिन जिस प्रकार का उसका बर्ताव था, ऐसे में सुमित का अपनी बहन को अकेले छोड़कर जाना क्या सही फैसला था? कहीं वो कोई बड़ी बेवकूफी तो नहीं कर रहा था? क्या चांदनी अब और खुलकर अपनी हरकतों को अंजाम देने वाली थी? क्या सुमित के परिवार पर कोई संकट दस्तक दे रहा था? रितु, रितु कहाँ हो तुम? जी भाभी। जो काम बोला था हो गया? हाँ भाभी। और ये तुम जा कहाँ रही हो? वो भाभी, आज एग्जाम है ना, तो कॉलेज जा रही हूँ। एग्जाम तो तुम्हारा यहाँ भी है, और ये एग्जाम कॉलेज के एग्जाम से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आज रहने दो, कॉलेज मत जाओ, आओ। पर भाभी। चलो चलो चलो, एग्जाम की तैयारी करनी है, आओ आओ। लेकिन भाभी, भाभी ये सब क्या कर रहे हो आप? रितु, तुम घबरा क्यों रही हो? एग्जाम से इतना घबराना नहीं चाहिए। एक सेकंड, कितनी सुंदर लग रही है मेरी रितु, है ना? तुम यहीं रुको, मैं अभी आई। लेकिन भाभी, भाभी सुनो तो। ओफो रितु, तुम बैठो ना, घबराओ मत, मैं अभी आई। पर भाभी, मेरी पूरी बात तो सुनो। भाभी, भाभी दरवाजा खोलो। ये लो, पूरे 1,00,000 हैं, गिन लो। अजी, गिनने की क्या जरूरत है, मुझे आप पर पूरा विश्वास है, आइए। चल। आप रुक क्यों गए? आइए ना। भाभी, भाभी मुझे जाने दो प्लीज। ऐसे कैसे जाने दूं रितु रानी, अच्छी खासी कीमत ली है मैंने तेरी। भाभी, मैं ऐसी लड़की नहीं हूं। देखो रितु, मान जाओ, वरना बेकार में तकलीफ और बढ़ जाएगी। अरे आप अब तक नहीं खड़े, आइए ना अंदर। भाभी छोड़ो, छोड़ो। कैसे जाने दो तुझे? रितु, आप जाइए, मैं संभालती हूँ, जाइए आप जल्दी। हेलो, हेलो एम्बुलेंस। अरे भाई, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? ये पुलिस एम्बुलेंस क्या हुआ यहाँ पे? बेटा गजब हो गया। बेटा तुम खुद ही जाकर देख लो। रितु, 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 सुमित देखो,
ना क्या हो गया? क्या हुआ इसे? ते तो कहीं एग्जाम की हड़बड़ी थी, जल्दी जल्दी सीढ़ियों से आ रही थी और सीढ़ियों पर तेल गिरा था, उसका पैर फिसल गया और रितु। रितु गिरी नहीं है, तुमने इसे गिराया है। क्यों मारा मेरी बहन को, क्यों मारा उसे? सुमित जी संभालिए अपने आप को, चांदनी जी जो कह रही है वो बिल्कुल सही है। नहीं, इसी ने मेरी बहन को मारा है, ये झूठ बोल रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपकी बहन के पैर के निचले हिस्से में और सीढ़ी पर हमें तेल के निशान मिले हैं, जिससे ये बात साबित होती है कि आपकी बहन की मौत सिर्फ एक हादसा है और कुछ नहीं। आप इसे पहचानते नहीं है, ये जितनी मासूम दिखती है ये है नहीं, जहरीली नाकी नहीं है, इसे मेरी बहन को मारा है। होश में बात करिए और ज्यादा भड़कने की जरूरत नहीं है, नहीं तो मैं। नहीं तो क्या इसने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद की है। आप मेरा यकीन कीजिए, तुम मेरा यकीन करो। रितु का वाकई में पैर फिसल गया था, यकीन करो मेरे। वार्ड बॉय लेकर जाओ डेड बॉडी को। मैडम मैं सच कह रहा हूँ, हम कभी चांदनी जी के घर गए ही नहीं। हाँ मैडम, हम लोग सच बोल रहे हैं। चुप! मेरे पास इस बात का सबूत है कि तुम में से कोई उस दिन उस घर में मौजूद था। तुम्हारी भलाई इसी में है कि मुझे सब कुछ सच सच बता दो, वरना सच उगलवाने के और भी तरीके हैं हमारे पास। मैडम मैं और कौशल उस दिन इलाहाबाद गए हुए थे, अगर आपको हम पर भरोसा नहीं होता है तो आप किसी से भी पूछ सकती हैं, और जब हम शहर में नहीं थे तो फिर चांदनी जी के घर पे कैसे हो सकते हैं? मैडम मैं तो उस दिन फैक्ट्री में था, फैक्ट्री में दर्जनों लोग काम करते हैं मैम, किसी से भी पूछ लीजिए कि मैं था या नहीं था। तुम में से कोई एक झूठ बोल रहा है ये तो मैं जानती हूँ, सच क्या है ये तो मैं जान के रहूंगी। सुमित जी अंदर आइए। ये बटन हमें रितु की लाश के पास से बरामद हुआ, और मनु तुम्हारे कुर्ते में भी तो ऐसा ही बटन है ना, तो अब तुम्हारी भलाई इसमें है कि जो कुछ हुआ है वो सच सच बता दो, वरना सच उगलवाने के और भी तरीके हैं मेरे पास। देखिए मैडम ये बहुत आम सोने का बटन है, जो किसी भी सोने चांदी की दुकान पे आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा, और फिर मेरे सारे बटन मेरे पास है। झूठ बोल रहा है मैम, इसी ने मेरी बहन का कत्ल किया। सुमित जी छोड़ दीजिए इसको, आप कानून अपने हाथ में मत लीजिए। हाँ मैडम ये सब सच कह रहे हैं, जिस दिन ये हादसा हुआ था ये दोनों ही शहर में नहीं थे, और मिस्टर रविश अपने फैक्ट्री में थे। अगर इनमें से कोई नहीं था तो मेरी बहन का खून किसने किया, और ये बटन किसका है? इस बात का यकीन तो मुझे हो गया है कि रितु के मर्डर में तुम दोनों का ही हाथ है, तो ये बटन किसका है और कहां से आया है ये सच सच बता दे, वरना इस उम्र में हड्डियां टूटी ना तो दर्द बहुत होगा। बताता हूँ बेटा, दरअसल उस दिन मैंने अपने बेटे को ना, मन्नू जो मेरा बेटा है, वो मेरे घर की तिजोरी से 1,00,000 रुपया लेके चोरी करके भाग रहा था। मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। हाँ, रंगे हाथों। जब मैंने उससे पूछा कि ये पैसे लेके तू कहाँ जा रहा है, तो बोला कि मैं चांदनी को देने जा रहा हूँ। मैंने सोचा कि ये मौका अच्छा है, मैंने उसे डांट डपट कर काम के बहाने इलाहाबाद भेज दिया, इलाहाबाद, और वो पैसा खुद लेके चांदनी के पास चला गया। हाँ, चांदनी के पास। ये लो पूरे 1,00,000 है, गिन लो। गिनने की क्या जरूरत है, मुझे आप पर पूरा विश्वास है। आइए भाभी मुझे जाने दो बाहर। ऐसे कैसे जाने दूं, अच्छी खासी कीमत ली है मैंने तेरी। भाभी मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। आओ भाभी मैं वहीं खड़े, आइए आइए।
भाभी प्लीज मुझको जाने दो। मान जाओ। छोड़ो मुझे। अरे बोल, फिर क्या हुआ बोल। फिर उसके बाद मैंने सारे मामले को ऐसे सजाया कि ऋतु की मौत एक हादसा लगी। औरतों पर हुए जुल्म की घटना तो मैंने बहुत सुनी थी, लेकिन औरतों की सलामती के लिए जो कानून बनाया गया उसकी आड़ में तुमने इतने घिनौने मंसूबों को अंजाम दिया। अरे जो कानून औरत की हिफाजत के लिए बना था, तुमने उसका फायदा उठाकर अपने सास, ननद और पति को इतना बुरा फंसाया। चांदनी, तुमने अपनी इज्जत की तो परवाह करी नहीं, साथ साथ अपनी उस मासूम नंद की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया तुमने। सड़ो तुम यहीं पर, चलो। इंसान एक नदी की तरह होता है, जो अगर अपनी सीमाओं में बहे तो खुशहाली लाता है, और अगर अपनी सीमाएं लांघ जाए तो पीछे छोड़ जाता है सिर्फ और सिर्फ विनाश। चांदनी ने जो किया उसने औरत ही नहीं बल्कि इंसानियत पर भी एक बदनुमा दाग लगाया। चांदनी को ऋतु की गैर इरादतन हत्या, पुलिस को गुमराह करने और देह व्यापार करने के जुर्म में IPC की सेक्शन 304A, 203 और इमोरल ट्रैफिक एक्ट के तहत 3 साल की सजा हुई। वहीं विनोद को ऋतु का शारीरिक शोषण करने की कोशिश करने और उसकी गैर इरादतन हत्या के जुर्म में IPC की सेक्शन 354A और 304A के तहत 2 साल की सजा हुई। अपराध एक फितरत है जो किस इंसान में किस कारण से और कहां पनपे कह पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन आप सतर्क रहें तभी अपराध और अपराधियों को जड़ से खत्म किया जा सकता है। यूपी को क्राइम फ्री स्टेट बनाने में आपका साथ बेहद जरूरी है, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। इसी के साथ मैं संजय सूरी आप सभी से विदा लेता हूँ। फिर होगी मुलाकात यूपी में अपराध से जंग की एक और सच्ची घटना के साथ। सावधान यूपी, फाइट बैक नाउ।